या एग्जॉस्ट आपकी एवरेज पे फर्क डालता है। स्ट्रेट पाइप में एग्जॉस्ट में मॉडिफिकेशन आएंगी जो हम जल्द करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। आज हम एग्जॉस्ट के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं और काफ़ी सारी बातें हैं जो एग्जॉस्ट के रिलेटेड हम आज करेंगे। मैंने भी अपनी गाड़ी का एग्जॉस्ट एक्चुअली रिपेयर करवाना है जो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है। अगर आप पिछले व्लॉग्स मेरे सारे फॉलोअप कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा जो मेरे एग्जॉस्ट है और एग्जॉस्ट का जो अंदर फिल्टर है वो अपनी जगह से हिल गया है, क्योंकि गाड़ी नीचे लगती है और एग्जॉस्ट ज़्यादा लगता है नीचे, तो फिल्टर अपनी जगह से हिल गया है। फिल्टर यानी एग्जॉस्ट के अंदर जो जाली होती है वो अपनी जगह से हिल गई है। तो आज हम जाके वो रिपेयर करवाएंगे, उसको अपनी जगह पे सेट करवाएंगे ताकि गाड़ी की आवाज अपनी जगह पे आ जाए। गाड़ी की आवाज ऐसी होती नहीं थी, इतना शोर नहीं करती थी मेरी गाड़ी। लेकिन अब करने लगी है क्योंकि एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा खराब हो गया अपनी हालत से। और एग्जॉस्ट के रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो हम आज करेंगे। और आज मैं आपको एक चीपेस्ट एग्जॉस्ट वाले से मिलवाने जा रहा हूँ जो एग्जॉस्ट लगाता है। बेसिकली बंदे को चीप नहीं कह रहा, मैं काम को चीप कह रहा हूँ। वो बहुत सस्ते में आपको आपकी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा देगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इंस्टा पे भाई को फॉलो करना मत भूलिएगा। जी तो जनाब, ये रही वो कैप जिसके ऊपर गोप्रो लगाना है। ये है गोप्रो और ये रहा कैप माउंट। तो ये कैप के ऊपर ऐसे लग जाएगा। ये यूट्यूब पे देख के सीखा हूँ, मुझे पता ही नहीं है, पहली दफा लगाया हूँ। अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरह का सीन बनता है अभी। अच्छा बॉयज, इसका हेड माउंट भी आता है, लेकिन हेड माउंट का मसला ये है कि उससे बाल बहुत ज्यादा खराब लगते हैं। हम इसको लगाएंगे ऐसे, सही है। गोप्रो इधर आ जाएगा, सिर्फ मेरी साइड में मसला होगा, ऐसे गाड़ी जानी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैं पैन को क्यों लगा रहा हूँ, मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूँ। ये ऐसे होगा, ऐसे चलो हो जाओ आज की तारीख में। चलो जी, सेटअप तैयार हो गया। कैसा फिर है? कैसा दिया आपको? नहीं दिया, अच्छा। कैसा लग रहा हूँ मैं? मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अस्सलामुअलैकुम मेरा वीरो, क्या हाल है? ठीक हो? ऊपर मैं खुद नहीं लगा रहा, ऊपर बहुत ज्यादा वाइट हो जाता है इसलिए नहीं लगा रहा। मेरा ख्याल है यही ठीक है ना, ये जरा प्रो फीलिंग भी आ रही है। मैं बहुत फनी लग रहा हूँ। दीप साहब, व्हाट आर यू डूइंग? कभी कभी होता है ना जिंदगी में इंसान कभी सोचता है कर क्या रहा हूँ मैं यार अपनी जिंदगी। तो जनाब, हेयर वी गो, गोप्रो सेटअप हो गया है। बड़ा अजीब सा सेटअप लग रहा होगा आपको, लेकिन ये लिटरली पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो है इस वक्त। चलो यार, अभी लेट्स गो नाउ। और यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि ये फर्स्ट टाइम मैं गोप्रो के साथ शूट कर रहा हूँ, तो अगर आपको कहीं ऑडियो क्वालिटी या कुछ खराबी फेस करनी पड़ी तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हाथ सेट करने में टाइम लगता है। ठीक हो गया? तो जितनी देर में मेरा हाथ सेट होता है तब तक आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। आई होप अभी भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हो तो सकता है। लेट्स होप यार, आज जो काम करवाने जा रहे हैं उसके बाद ये मसला हमारा हल हो जाए और मसला ये फेस करना ना पड़े उसके बाद। सही है। तो अभी हम रास्ते में, ये यहाँ पे मैंने क्यों रखा हुआ है, इसको यहाँ पे रखते हैं। मैंने जाना नहीं था इस साइड पे, मैं सिर्फ आवाज़ सुनाने आया हूँ आपको। जो मेरा एग्जॉस्ट है ना, ये
दो ढाई इंच की इसकी इनलेट है, मतलब जो पीछे से पाइप आ रहा है एग्जॉस्ट सिस्टम से वो छोटा होता है, और इसका जो वहाँ से इनलेट है वो अराउंड 2 या 2.5 इंचेस की होगी, और इसकी इसकी जो आउटलेट है वो 4.5 इंच। तो फिर ये मैंने लगवा लिया था, और उसके बाद बड़ा मज़ेदार साउंड था इसका। मज़े की बात आपको बताता हूँ कि कल या परसों मुझे अपनी स्नैपचैट मेमोरी आई थी जिसमें मैं गाड़ी अंडरपास से ही गुजार रहा था, और इतनी मज़े की पेस थी यार, मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यार इतना ज़्यादा चेंज हो गया एग्जॉस्ट, तो ये एग्जॉस्ट तो भाई ठीक करवाना बनता है। ये एग्जॉस्ट मोस्टली लड़के आजकल के जो गाड़ी तैयार करवा रहे हैं ना, वो पहला मॉडिफिकेशन अपनी तरफ से समझते हैं, और मैं भी बजाते खुद मैंने ये हरकत की हुई है। मैंने अपनी गाड़ी में सबसे पहली मॉडिफिकेशन और आखिरी मॉडिफिकेशन एग्जॉस्ट लगवाई थी। इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा, इससे पहले जो सिविक थी उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। तो बॉयज़ मैं सिंपल आपको बात बताऊँ, एग्जॉस्ट कुछ अरसे तक अच्छा लगता है, उसके बाद आपको ना चुभने लग जाता है। फिर आपको ओकेजनली मेरे गाना अच्छा है कौन सा है, बल्ले बल्ले से मुझे डॉली की आएगी बरात याद आ गया, बचपन में देखते थे बड़े मज़े का ड्रामा था। ये मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप गाड़ी तैयार करवा रहे हैं तो ये पहली मॉडिफिकेशन नहीं, ये आखिरी मॉडिफिकेशन कंसिडर करिएगा एग्जॉस्ट लगाना। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर जो था, एक सेकेंड, बहुत जल्दी है इनको, बहुत जल्दी है, थैंक यू यार तो जगह तो दे दो। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, एग्जॉस्ट के दूसरे सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि क्या एग्जॉस्ट आपकी एवरेज पे फ़र्क डालता है। ये बॉयज ये मेरी बात आप लिख लें, एग्जॉस्ट एवरेज पे फ़र्क नहीं डालता, मैं एग्जॉस्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, 19-20 का शायद कह सकते हो आप, लेकिन मैं कहता हूँ वो भी नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। एग्जॉस्ट होता है ना बेसिकली लास्ट आपकी ढोलकी निकाल के एग्जॉस्ट लग जाता है और उसने साउंड बनानी होती है, सही है। आप रेजोनेटर ना निकालें, प्री साइलेंसर ना निकालें, सिर्फ लास्ट पे ढोलकी चेंज कर दें तो आपको आवाज़ आपकी गाड़ी की बढ़ जाएगी, उससे एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जब गाड़ी की आवाज़ बढ़ जाएगी ना, आपका दिल करेगा आप गाड़ी भगाओ, आप वो आवाज़ बार बार सुनो, आपका ये दिल करेगा। और जब आप गाड़ी भगाओगे ना तो फिर आपकी एवरेज पे जो है ना बुरा असर होगा, सिंपल एज दैट। एग्जॉस्ट का फ़र्क आपकी गाड़ी की एवरेज पे नहीं पड़ता, आपकी गाड़ी चलाने की स्टाइल में पड़ता है। आप गाड़ी ज़्यादा भगाने लग जाते हो जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज कम हो जाती है। बिलीव इट और नॉट यार, मैं अपनी गाड़ी पे इस्लामाबाद जब गया हूँ ट्यूटा डे पे, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, थैंक यू बॉयज, बिलीव इट और नॉट, जब मैं अपनी गाड़ी इस्लामाबाद लेके गया हूँ तो इस गाड़ी ने मुझे लॉन्ग रूट पे, इवन मैंने रस्ते में गाड़ी भगाई भी है, गाड़ी को 70-80 पे हमने क्रूज भी किया है, तो मुझे इस गाड़ी ने एवरेज क्या दी है बॉयज, 15.5, ठीक है, 15.5 किलोमीटर पर लीटर। नोइंग द फैक्ट कि मेरी गाड़ी में रेजोनेटर और रेजोनेटर नहीं था, मैंने रेजोनेटर निकलवा के स्ट्रेट पाइप किया हुआ है इसको इन शॉर्ट, और इंशाल्लाह जल्द यार इसके स्ट्रेट पाइप में एग्जॉस्ट में मॉडिफिकेशन आएंगी जो हम जल्द करेंगे। ये वो रिम जिसको बेचा था ये वो है, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ओके जी। अच्छा ये वो भाई थे जिनको हमने रिम सेल किए थे, अपनी पुरानी जो इसके इस गाड़ी में लगे हुए थे ना वो रिम इनको मैंने सेल किया था। स्ट्रेट पाइप बनवाते हो फिर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, हेडर्स बनवाते हो फिर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप हल्के पैर से गाड़ी चलाओगे गाड़ी एवरेज अच्छी देगी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर जी? ढोलकी ज़रा पीछे से ज़रा देख के आए ज़रा। बैक कैमरा? हाँ बैक कैमरा। नहीं नहीं बैक कैमरा नहीं है, वीडियो बन रही है यहाँ पे रख के। तो इसका कोई तो जुगाड़ करो ना फिलहाल। जुगाड़ किस तरह? कुछ भी टांका लगा दो बाहर से, जैसा भी लगता है। अगर किसी ने आपके पास आके एग्जॉस्ट लगवाना हो, ये मेरी गुलशन रावी। गुलशन रावी कहाँ पे? रियाज बनाने वाले के सामने। अभी कितना जुर्माना है हमारा? 200 रुपए। नहीं यार मजा नहीं आ रहा। नहीं 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 मैं ये चाह ही नहीं रहा था, मैं चाह रहा हूँ
शोर ना हो, ये बहुत ज्यादा शोर है यार। चेंज मांगता है भाई, एग्जॉस्ट की उम्र पूरी हो गई है, सिर्फ इसी का मजा है। कामा बेबी, कामा बेबी, 1 pound fish, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी। यार ये किधर गया यार, ये इतना अच्छा ट्रेंड था, मजेदार सा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी चीप, 3, 4, 5, 4, 1 pound each, 3, 4, 5, 4, 1 pound, what a talent यार। अपने पाकिस्तानी कभी अपने टैलेंट से हमें निराश नहीं कर सकते, टैलेंटेड बॉयज। तो बॉयज यहीं पे इस व्लॉग को रैप अप करते हैं, होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे भाई को फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नहीं यार, चेंज करेंगे, चेंज करवाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और अभी अभी मैंने गौर किया कि मैंने सारा रास्ता उल्टी घड़ी पहनी।